नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आम के पेड़ में मैंगो हॉपर से कैसे बचा जाए। दोस्तों, बहुत ही अधिक मात्रा में किसान भाई मैंगो हॉपर से परेशान रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने आम के पेड़ में करेंगे तो आपके आम के पेड़ से मैंगो हॉपर की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैंगो हॉपर के बारे में। मैंगो हॉपर, जिसे मैंगो लीफ हॉपर्स के नाम से भी जाना जाता है, छोटे कीड़े हैं जो आम के पत्तों के रस को खाते हैं। वे सिकाडेलिडे परिवार से संबंधित हैं, जिसमें लीफ हॉपर्स की कई प्रजातियां शामिल हैं। आम के फुद के पत्तियों को खाकर आम के पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पेड़ की प्रकाश संश्लेषण और फल पैदा करने की क्षमता कम हो सकती है। मैंगो हॉपर की कई प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे आम है अमृतोडस एटकिंसोनी और इडियोस्कोपस क्लीपेलिस। मैंगो हॉपर छोटे होते हैं और आमतौर पर लंबाई में 3 से 4 मिमी के आकार के होते हैं। वे आमतौर पर हरे या पीले रंग के होते हैं और उनके पंख होते हैं जो उन्हें पेड़ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में सक्षम बनाते हैं। आम के फुदके को कीटनाशकों के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है या आम के पेड़ों से फुदके को आकर्षित करने वाली जाल फसलें लगाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। प्रभावित पत्तियों की छंटाई और हटाने जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं भी संक्रमण की गंभीरता को कम करने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आम के पेड़ में मैंगो हॉपर से बचाव कैसे करें। आम के पेड़ों में आम के फुदके को रोकने और नियंत्रित करने के कुछ तरीके यहाँ बताए गए हैं। संक्रमण के संकेतों के लिए आम के पेड़ों की नियमित निगरानी करें, जैसे कि पीलिया, मुड़ी हुई पत्तियां और पत्तियों या शाखाओं पर चिपचिपा स्राव, प्रभावित शाखाओं या पत्तियों की छंटाई करें और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उनका उचित तरीके से निपटान करें। नीम के तेल का प्रयोग करें, जो एक प्राकृतिक कीटनाशक है। आम के फुदके को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल को पानी में घोलकर आम के पेड़ की पत्तियों और शाखाओं पर छिड़काव करें। संक्रमण के नियंत्रण में आने तक हर 7 से 10 दिनों में उपचार दोहराएं। आम के पेड़ से दूर आम के फुदकने वालों को आकर्षित करने के लिए आम के पेड़ के चारों ओर गेंदा या सूरजमुखी जैसी फसलें लगाएं। कीटनाशकों का प्रयोग करें, जो विशेष रूप से आम के फुदके को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेबल पर दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन करें और कीटनाशक को सुबह जल्दी या दोपहर के बाद लगाएं, जब हॉपर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन कीटनाशकों के बारे में जिनका प्रयोग करके आप मैंगो हॉपर की समस्या को दूर कर सकते हैं। आम के पेड़ों में आम के फुदके को नियंत्रित करने के लिए कई कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ कीटनाशक हैं। इमिडाक्लोप्रिड, यह एक नियोनिकोटिनोइड कीटनाशक है जो आम के फुदके के खिलाफ प्रभावी है। यह स्प्रे दानों और मिट्टी में भीगने के रूप में उपलब्ध है। साइपरमेथ्रिन, यह एक पायरेथ्रॉइड कीटनाशक है जो आम के हॉपर के खिलाफ प्रभावी है। यह स्प्रे और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। क्लोरपायरीफोस, यह एक ऑर्गनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो आम के फुदके के खिलाफ प्रभावी है। यह स्प्रे और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। थियामेथोक्सम, यह एक अन्य नियोनिकोटिनोइड कीटनाशक है जो आम के फुदके के खिलाफ प्रभावी है। यह स्प्रे और मिट्टी में भिगोने के रूप में उपलब्ध है। उपचार दोहराएं, कीटनाशक उपचार को लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार दोहराएं। आमतौर पर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 2 से 3 अनुप्रयोगों की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, आपको जितने भी कीटनाशक बताए गए हैं उनकी मात्रा आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर आम के पेड़ के ऊपर स्प्रे करना है। यदि आप पाउडर फॉर्म में कीटनाशकों लेते हैं तो आपको उनकी मात्रा 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से लेकर स्प्रे करना है।
दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।